खत्म हुआ एक और प्रैक्टिस मुकाबला साथ में आई चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट जानेंगे पूरी खबर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स आई पी का खिताब जीते तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें IPL 2022 की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल की चैंपियन टीम है और IPL 2022 के लिए एक बार फिर से तैयारियों में जुट चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार चेन्नई में नहीं बल्कि सूरत में अपना प्रैक्टिस कैंप लगाया हुआ है धोनी समेत तमाम खिलाड़ी सूरत पहुंच चुके हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट है प्रैक्टिस मैच को लेकर के आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स ने एक और प्रैक्टिस मुकाबला खेला था जिसमे उथप्पा के अलावा राजवर्धन हंगरगेकर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला इस प्रैक्टिस मुकाबले में रॉबेनोथप्पा ने उनचास गेंदों पर तेरासी रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली उथप्पा ने अपनी इस पारी में चार छक्के और चार चौके भी लगाए इसके अलावा राजवर्धन हंगरगीकर के बल्ले से 23 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी देखने को मिली आपको बता दें राजवर्धन ने गेंदबाजी के दौरान तीन विकेट भी झटके चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी दूसरी बड़ी अपडेट दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के है आपको बता दें पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक चाहर पूरे सीजन से बाहर होंगे तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी शुरुआती कुछ मुकाबलों को नहीं खेलेंगे लेकिन अब चेन्नई के लिए एक बेहतरीन खबर है दोनों ही खिलाड़ी चोट से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ जल्द ही कैंप को ज्वाइन करेंगे तो वही दूसरी तरफ दीपक चाहर भी चेन्नई की टीम को ज्वाइन करने वाले है लेकिन दीपक चाहर शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे तीसरी बड़ी अपडेट विदेशी खिलाड़ियों को लेकर के है आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में विदेशी खिलाड़ी 17 मार्च के बाद पहुंचने लगेंगे अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं पहुंचा है लेकिन जितने भी खिलाड़ी हैं वो 17 मार्च के बाद आना शुरू कर देंगे ये थी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें